अंतरराष्ट्रीय युवा विद्वान, जैन दर्शन में यूनिवर्सिटी टॉप व गोल्ड मेडलिस्ट, जैन सिद्धांत एवं न्याय विषयों को सरलता से समझाने वाले, यूएसए, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया आदि अनेक देशों में जैन धर्म की महती प्रभावना करने वाले, पंडित टोडरमल पुरस्कार, युवा विद्वत रत्न आदि अनेक पुरस्कारों से सम्मानित मूर्धन्य विद्वान डॉक्टर संजीव कुमार गोधा जयपुर द्वारा जानिए धर्म का मर्म। यदि तुम हिंदुओं के साथ में मिलोगे तो तुम्हारे ब्याह शादी वगैरह वगैरह जो भी घर गृहस्थी की जो क्रियाएं होती हैं वो सब हिंदुओं के रीति रिवाजों के अनुसार होगी। मुसलमानों के साथ में मिलोगे तो मुसलमानों के अनुसार होगी। बोलो, फरमान जारी कर दिया गया किसके साथ में मिलना है। ये जो अपने रामधारी सिंह दिनकर है ना, राष्ट्रकवि, भारत के जो राष्ट्रकवि हैं, क्या भारत के जो राष्ट्रकवि हैं रामधारी सिंह दिनकर, उनकी पुस्तक है एक संस्कृति के चार अध्याय। उन्होंने दो तीन बातें लिखी ऐसी, प्राचीन परंपरा में जैनों के यहाँ शव को जलाया नहीं जाता था, दफनाया जाता था कब्र में ले जा करके, क्योंकि अहिंसक होने से जैन परंपरा के लोग ये अग्नि में लकड़ी में ये कैसे जला सकते हैं। बिल्कुल यही परंपरा थी, जैन समाज तो अहिंसक समाज है, ये कैसे जला सकते हैं लकड़ी के अंदर ले जा करके, लकड़ियों में कितने जीव होते हैं और वहाँ जा करके जलाओ उनको, कैसे कैसे बनेगी बात, तो नहीं होता था ये। तो दफनाते उसको, दफन वहाँ ले जाते थे, दफनाते थे कब्र में ले जा करके। अब बाद में जब ये हिंदू और मुसलमानों की परंपरा में से किसी एक को चुनना था तो हिंदू परंपरा को जैनियों ने चुनना ज़्यादा उचित समझा, और इस एंगल से फिर वो, चूंकि हिंदू परंपरा के अंदर शवदाह किया जाता है, उसी तरह से शवदाह की परंपरा यहाँ चालू हुई, ऐसा है। तो अब बहुत तरह की बातें हैं। देखिए यहाँ जो अपना प्रकरण चल रहा है, जैन बना दिया गया, नमोकार मंत्र सुना दिया, तीन मकार का त्याग कराया, पंच उदंबर फलों का त्याग कराया, आठ नियम हो गए, और आठ नियम के बाद कुदेव, कुगुरु और कुधर्म के सेवन का त्याग कराया। क्या तीन बातों का त्याग और कराया, इस तरह से कुल ग्यारह बातें हो गई। सच्चे देव शास्त्र गुरु का भक्त बनाते हैं इस प्रकार। देखिए नेक्स्ट पैराग्राफ, इस प्रकार उस बालक में पाक्षिक श्रावक के संस्कार स्थापित किए जाते हैं जब तक उस बालक की आयु, आठ वर्ष की न हो जावे तब तक उसके व्रतों की रक्षा उसके माता पिता करते हैं। उसी समय में वह बच्चा पाक्षिक श्रावक पद का धारी कहलाता है और एकादश गुणधारी जगन्य पाक्षिक श्रावक होता है। ग्यारह गुण हो गए, एकादश गुणधारी समझ में आ गए, ग्यारह गुण, पंच उदंबर फल का त्याग, तीन मकार का त्याग, कुदेव कुगुरु कुधर्म का त्याग, इस तरह से ग्यारह चीज़ों का त्याग करके वो जगन्य गुणधारी हो गया है।
स्थूल रूप से बताए गए, जैसे पांच उदंबर फल का त्याग, तीन मकार का त्याग तथा कुदेव, कुगुरु और कुशास्त्र का त्याग, इस प्रकार 11 पदार्थ हुए। कुदेव, कुगुरु और कुशास्त्र के त्याग से सुदेव, सुगुरु और सुशास्त्र का ग्रहण कर लेना चाहिए, यह अपने आप ही ग्रहण हो गया उनके त्याग से। 11 गुणों का धारक 45 दिन का बालक होता है। 11 गुणों का धारक, इन 11 प्रकार के लक्षणों का वह उपचार से धारक कहलाता है। उपचार से 11 गुणों का धारक कहलाता है। यथार्थ में 8 वर्ष तक उसके माता पिता ही इन व्रतों के पालन करने में उसकी रक्षा करते हैं, ये माता पिता का काम है। यदि माता पिता के प्रमाद से वह व्रतों का भंग करता है तो उसके पाप के भागी उसके संरक्षक माता पिता ही होते हैं। 8 वर्ष के बालक तक के द्वारा यदि इस तरह का कुछ बात हुई है तो माता पिता ही उसके हकदार होते हैं, भागीदार होते हैं। क्या मध्यम पाक्षिक का स्वरूप, तो इस तरह से जो संस्कार विधि की जो चर्चा थी, ये चर्चा अपनी अभी तक यहाँ हुई है। अब देखिए अब क्या बात कह रहे हैं, क्या मध्यम पाक्षिक श्रावक का स्वरूप बतला रहे हैं। प्रपाल्य वै मूल गुणाष्टकम् सदा संसेव्य देवान् अनुशास्त्र पूजकः, करोति सेवां सुगुरोस्तपस्विनः जहाति सर्वं व्यसनं हि मध्यमः। जो जगन्य पाक्षिक के गुणों से युक्त होकर, माने जगन्य पाक्षिक के गुण तो चाहिए ही, उन गुणों से युक्त होकर समस्त प्रकार के मुख्य रूप से सप्त व्यसनों को त्याग कर देता है, उसे मध्यम पाक्षिक श्रावक कहते हैं। क्या उसे मध्यम पाक्षिक श्रावक कहा गया है? भावार्थ, ऊपर जो जगन्य पाक्षिक श्रावक के पंच उदंबर फल और तीन मकार के त्याग तथा सच्चे देव शास्त्र गुरु की भक्ति, ये 11 गुण कहे गए हैं, 11 गुण कहे गए हैं, उन सहित 7 सप्त व्यसनों का त्याग होता है। उनके साथ में 7 व्यसनों का त्याग होता है, 7 व्यसनों का त्याग होता है, अर्थात मध्यम पाक्षिक के 11 प्लस 7 योग 18 गुण हुए। भाई 11 तो हो ही गए थे पहले जो अभी बताए हैं, और 7 व्यसनों का त्याग, 7 व्यसनों का त्याग, इस तरह से 18 हो गए, लेकिन माइनस 2 करेंगे अभी। इनमें से मांस और मदिरा का ग्रहण तो 3 मकार में हो चुका है। सप्त व्यसनों में भी मदिरा के त्याग की बात आती है, सप्त व्यसनों में मांस के त्याग की बात आती है, तो 2 डबल हो गए। और सप्त व्यसनों में भी उनका वर्णन आया है, अतः उक्त दोनों को पृथक करने से 16 क्रियाएं एवं सद्गुण मध्यम पाक्षिक के रह जाते हैं। इस तरह से मध्यम पाक्षिक श्रावक के 16 गुण हो गए। बराबर, क्या कहें, 16 हो गए ना यहाँ तक। और सुनो अब नई बात, पाक्षिक श्रावक के अन्य मुख्य कर्तव्य क्या हैं। अब जैन मना रहे हैं, अभी तक तो श्रावक संस्कार की विधि की चर्चा की थी, अब जैनियों के जो मुख्य गुण होने चाहिए वो सुन लीजिए। जिनके बिना जैन कहलाने के योग्य नहीं होता। ध्येयं सदा श्री जिन देव दर्शनम, पेयं सुपाथ है पटगालितम सदा, हेयं निशायां खलु भोजनम हृदा, एतानि चिन्नानि भवन्ति श्रावके। क्या गजब बात कह दी है भाई साहब, हैं? जल छानन तजी अशन निशी, श्रावक चिन्ह युतीन, नित प्रति जो दर्शन करे सो जैनी परवीन। वाओ, क्या क्या गजब बात कह रहे हैं भाई साहब, हैं? कितनी गजब बात कह रहे हैं। जल छानन तजी अशन निशी, जल का छानना, और क्या, तज दिया, अशन माने होता है भोजन, निशी मतलब रात्रि। जल छानन तजी अशन निशी,
श्रावक चिन्ह जुतीन। क्या नित प्रति जो दर्शन करे सो जैनी परवीन। ओहो, नित प्रति जिनेन्द्र देव के दर्शन करे वो प्रवीण जैनी है, उनको जैनी की पहचान है। परवीन माने पहचान भी कह सकते हैं, ये जैनी के चिन्ह हैं। क्या प्रतिदिन जिनेन्द्र भगवान के दर्शन करना, वाह वाह वाह, क्या कह रहे हैं भाई साहब। मैंने कही थी बात वितराग पूजन का अर्थ करते समय, जयमाला की चर्चा करते समय, अरे अभागे हैं वो लोग जिन्हें जिनेन्द्र देव के दर्शन नहीं होते। अभागे हैं वे जीव जिन्हें जिनेन्द्र देव के दर्शन नसीब नहीं होते। जिनेन्द्र देव के दर्शन, महाभाग्य से जिनेन्द्र देव का दर्शन पाया, महाभाग्य से देव आपका, महाभाग्य से दर्शन देव आपका पाया, ऐसी गजब की पंक्तियां हैं। महाभाग्य से मिलता है जिनेन्द्र देव का दर्शन, प्रतिदिन जिनेन्द्र देव के दर्शन करना, रोज जिनेन्द्र देव के दर्शन करना। अरे यदि कदाचित ऐसे गांव में रहते हो जहां जैन मंदिर नहीं है, तो वहां जिनेन्द्र देव की जिन प्रतिमा पधराना, जिन मंदिर का निर्माण कराना, वेदी प्रतिष्ठा कराना, एक छोटा सा भवन मकान कुछ जगह लेकर के वहां आकर के जिनेन्द्र देव की स्थापना करना। लेकिन ध्यान रखना, जगह खरीद करके करना, मकान कमरा स्थान खरीद करके वहाँ निर्माण करना, उस जगह पर भगवान को विराजमान करना। भगवान कभी किराए के मकान में नहीं आते हैं। या किसी जगह पर लाना हो ना, जिनेन्द्र देव की प्रतिमा विराजमान करनी हो, अरे नहीं जगह नहीं मिल रही, एक काम करो किराए का मकान ले लो, किराए का कमरा ले लो और यहाँ विराजमान कर लो, छोटा सा मंदिर जैसा। नहीं भाई साहब, किराए के कमरे में मकान भगवान नहीं आते, किराए की जगह पर भगवान नहीं आते हैं, जिन मंदिर किराए के नहीं हुआ करते हैं। ध्यान रखना, यदि आपके गांव में मंदिर नहीं है तो जिन मंदिर होना चाहिए, और यदि किसी तरह की संभावना नहीं हो तो आप गांव छोड़ दीजिए, आप ऐसे जगह पर चले जाइए जहां जिन मंदिर है। आपकी कॉलोनी में मंदिर नहीं है तो मंदिर होना चाहिए, और यदि मंदिर नहीं है तो कॉलोनी छोड़ दीजिए। क्या कॉलोनी छोड़ करके चले जाइए, ऐसी जगह पर जाकर के निवास स्थान कीजिए जिस स्थान पर पहुंच करके आपको जिनेन्द्र देव के दर्शन मिले। क्या स्थानकवासी संप्रदाय में निषेध किया जाता है, स्थानकवासी संप्रदाय भी बीच में चल पड़ा इस तरह का, इसलिए वो उनके यहाँ उपाश्रय हुआ करते हैं। जिनेन्द्र देव की प्रतिमा के दर्शन तो होने ही चाहिए। अभी बात करेंगे आगे चल करके, तारण पंथ की भी चर्चा आएगी बीच में, आगे चल करके आने वाली है, एक आध दो दिन में चर्चा करेंगे उसकी भी। प्रतिदिन जिनेन्द्र भगवान के दर्शन करना, जल छान करके पीना, और रात्रि समय में भोजन न करना, ये तीन श्रावक के चिन्ह हैं, इनसे जैन पहचाना जाता है। रात्रि भोजन का त्याग, जैन पहचाना जाता है इससे। पहचाना जाएगा श्रावक कौन है, रात्रि जैन है, ये रात्रि भोजन करते हैं, ये जैन, सोचना जरा। आगे क्रमशः इनका पृथक पृथक विस्तार से वर्णन करते हैं। पहला पॉइंट, नित्य प्रति देव दर्शन करना, जिन भक्ति, माने ये पहला पॉइंट है नित्य प्रति देव दर्शन करने के संदर्भ में। काफ़ी विस्तार से चर्चा की है इस देव दर्शन करने के संदर्भ में ही, काफ़ी प्रश्नों में इस जिनेन्द्र देव के दर्शन संबंधी चर्चा कही गई है, बहुत लंबी चर्चा है मूर्ति पूजा के संदर्भ में, मूर्ति पूजा के निषेध करने वालों के संदर्भ में, मूर्ति के प्रभाव के संदर्भ में, बड़ी गजब गजब के प्रकरण हैं जो आगे चल कर के आएंगे, कई तरह के उनमें प्रश्न भी उठाए हैं। तो ये पहला प्रकरण जिनेन्द्र देव के दर्शन संबंधी, फिर दूसरा विधान जल छानने संबंधी जो चर्चा है, और फिर रात्रि भोजन त्याग संबंधी, ये सब प्रकरण आगे आने वाले हैं। देखिए नीचे श्लोक पढ़ता हूँ, 173 नंबर पेज पर, देव गुरुणाम भत्ता निवेय परंपरा विचिंती जान रया सुचरिता ते गहिया मोक्षमा गम्मी। अष्टपाहुड़ ग्रंथ में मोक्ष पाहुड़ की 82 नंबर की यह गाथा है। कुंद कुंदाचार्य देव क्या कह रहे हैं जैनियों के संदर्भ में, आचार्य श्री कुंद कुंद स्वामी का क्या कहना है, जो कुंद कुंदाचार्य को प्रस्तुत कर रहे हैं, बतलाओ। अब अपन यहाँ क्या पढ़ रहे हैं, आपको यदि ये लगे कि हम साहब ये तो संयम प्रकाश ग्रंथ पढ़ रहे हैं, तो हम आपको बतलाना चाह रहे हैं
कि अभी हम कुछ देर पहले कुछ और ग्रंथ पढ़ रहे थे, अब कुछ देर बाद में यहाँ कुंदकुंदाचार्य का ग्रंथ पढ़ रहे हैं और कुछ देर आगे और ग्रंथ पढ़ेंगे। देखिए, जो अरहंत सिद्ध आचार्य उपाध्याय और साधु इन पांच परमेष्ठियों की भक्ति करते हैं, जो इन पंच परमेष्ठियों की भक्ति करते हैं और वैराग्य का चिंतवन करते हैं तथा ध्यान में रत हैं, अर्थात परमात्मा व निज आत्मा के ध्यान में तत्पर हैं, सदाचार के धारक हैं, वे ही मोक्ष मार्ग के पथिक माने गए हैं। वाह वाह, क्या बातें! कौन मोक्ष मार्ग का पथिक हो सकता है? कौन मुक्ति मार्ग पर चलने का अधिकारी हो सकता है? क्या कौन व्यक्ति चलेगा मुक्ति के मार्ग पर, ये बतलाइए। हम किसके बारे में कहें कि ये मोक्ष मार्ग पर चल रहा है? जो पंच परमेष्ठियों की भक्ति करता है, जो पंच परमेष्ठियों की आराधना करता है, जो पंच परमेष्ठियों के बारे में चिंतन करता है, अरे परमात्मा का भी चिंतन करता है और निज आत्मा का भी चिंतन करता है। अकेले परमात्मा का चिंतन करे और आत्मा का चिंतन नहीं करे, उसे कौन जैन कहे, उसे कौन आराधक कहे? सच्चे आराधक तो वे होते हैं जो परमात्माओं की भक्ति के साथ साथ में आत्मा की भक्ति भी करते हैं, जो परमात्मा में आत्मा को देखते हैं, जिन्हें जिनेंद्र देव की प्रतिमा में जिन देव निज देव नजर आते हैं, वे सच्चे जिनेंद्र देव के भक्त होते हैं। जिनेंद्र मूरत में हमने देखा स्वयं की सूरत झलक रही है, ऐसा है भाई साहब, आत्मा के ध्यान में तत्पर हैं। क्या गजब के शब्द देते हैं! दुनिया परमात्मा के ध्यान में तत्पर हैं और साधक लोग ऐसा नहीं परमात्मा का ध्यान नहीं करते, परमात्मा का ध्यान भी करते हैं, लेकिन परमात्मा का ध्यान करते करते आत्मा के ध्यान की तरफ आ जाते हैं। परमात्मा का ध्यान फिर आत्मा का ध्यान, परमात्मा का ध्यान फिर आत्मा का ध्यान। क्या और सदाचार के धारक हैं, वे मोक्ष मार्ग के पथिक हैं। देखिए कहा भी है, पुण्यम जिनेन्द्र चरणार्चन साध्य माध्यम, पुण्यम सुपात्र गत दान समुत्थमेतत्, पुण्यम व्रतानुचरणादुपवास योगात्, पुण्यार्थिनामित चतुष्टयमर्जनीयम्। क्या कह रहे हैं सुनिए जरा। पहला पॉइंट, श्री जिनेंद्र देव के चरणारविंदों की पूजा करने से, वाह क्या कह रहे हैं, श्री जिनेंद्र देव के चरणारविंदों की पूजा करने से। दो नंबर, उत्तम पात्रों को दान देने से। तीन नंबर पॉइंट, अहिंसादि व्रतों का पालन करने से। फिर चार नंबर पॉइंट, उपवास करने से पुण्य होता है, इसलिए पुण्य की इच्छा वाले गृहस्थों को उचित है कि वे इन चारों उपायों द्वारा पुण्य का संचय करें। और भी कहा है, अपूजयित्वा यो देवान मुनेन नुपचर्य च, यो भुंजीत गृहस्थ है संसे भुंजीत परम तप है। गृहस्थावस्था में जो पुरुष, ये सोमदेव सूरी का यशस्तिलक चंपू का, गृहस्थावस्था में जो पुरुष दर्शन स्तुति पूजन आदि के द्वारा, गृहस्थों की बात कर रहे हैं, श्री जिनेंद्र देव की पूजा न करके और आहार दान वैयावृत्ति आदि के द्वारा निर्ग्रंथ मुनियों की सेवा आदि न करके भोजन करता है, ओहो वह भोजन नहीं करता है किंतु महापाप का बंध करके आहार करता है, अर्थात महापाप का बंध करता है। क्या कहें भाई साहब, ओहो कहना चाहते हैं, जिनेंद्र देव के दर्शन के बिना एक अन्न का दाना जवान से नीचे नहीं उतरना चाहिए। अरे मैं कैसे भोजन कर सकता हूँ, आज मुझे जिनेंद्र देव के दर्शन नसीब नहीं हुए, ओहो ये ऐसा कैसा खोटा कर्म किया है मैंने, ये कैसा पाप कर्म का उदय आ गया है कि मुझे जिनेंद्र देव के दर्शन नहीं मिले हैं। भाई साहब प्रतिदिन जिनेंद्र देव के दर्शन मिले, प्रतिदिन जिनेंद्र देव की प्रतिमा, ओहो मेरे को आज जिनेंद्र देव की मुख मुद्रा देखना नसीब नहीं हुआ, मैं कैसा अभागा हूँ मैं, ये विचार आता है ज्ञानी को, कैसे कैसे गले से नीचे भोजन उतर सकता है।
भोजन कैसे ग्रहण कर सकता है वो श्रावक जिसे जिनेन्द्र दर्शन नहीं मिले हो? दर्शन करो। हम तो कहते हैं ना भाई साहब, वो तो दर्पण के समान है। अरे जिस तरह से दर्पण रोज देखते हैं, उसी तरह से जिनेन्द्र देव को रोजाना देखना, निहारना उनकी नासागर दृष्टि को, देखना उनके हाथ पर हाथ धरी हुई स्थिति को, हाथ पे हाथ धरे ऐसे करना, कुछ न रहा जैसे, ऐसा कह रहे हैं। देखिए और भी कहा है, जो जिन वरिंद पूम कुणई सत्य सो महापुरिसो तेलो ये पूअणी ओ ऐरेण सो नरो होई। जो उत्तम पुरुष निज शक्ति के अनुसार श्री जिनेन्द्र देव की पूजन करता है वह अल्प काल में ही तीनों लोक के जीवों द्वारा पूज्य हो जाता है। धर्म रसायन ग्रंथ 138 नंबर की मूल गाथा में क्या कह रहे हैं जरा सुनना, जिनेन्द्र देव की पूजन करने वाला तीन लोक में पूज्य हो जाता है। वाह, यह है भक्ति, यह है महिमा जिनेन्द्र देव की। सोचना जरा क्या जिनेन्द्र देव की महिमा बता रहे हैं, क्या महिमा कह रहे हैं प्रभु की। प्रभु की ऐसी अद्भुत महिमा है, हे प्रभु निश्चित तेरे सदृश प्रभु अरिहंत अवस्था पाऊंगा। रोजाना जाओ और भगवान को ललकार करके आओ, रोजाना जाओ और भगवान को जाकर के सुना करके आओ। रोज सुना करके जा रहा हूँ भगवान, आज भी नहीं कोई बात नहीं, कल जब आऊंगा उससे पहले सम्यक दर्शन भेद विज्ञान गुणस्थान चढ़ते नजर आएंगे। फिर आ गया, कोई बात नहीं प्रभु अब देखना, अब तो करके आऊंगा प्रभु देखना, एक दिन तेरे समान अनंत अवस्था की प्राप्ति करूंगा। ये भाव जागृत होता है, देख देख करके वीरता प्रकट होती है, देख देख करके भाव बनते हैं, देख देख करके उत्साह आता है, देख देख करके जोश आता है जिनेन्द्र देव को। क्या ऐसा कह रहे हैं यहां, तीन लोक के जीवों द्वारा पूज्य हो जाता है। पूजन करे वो पूज्य होवे, पूज्य बनने का अधिकारी वो है जो पूजन करता है। जो पूजन करता ही नहीं, जिसने खुद ने पूजन नहीं करी वो पूजने का क्या अधिकारी बनेगा, बतलाओ। सोचना एक बार थोड़ा गंभीरता से कि साहब मुझे पूजो, मेरी आकर के पूजन करोगे, तुमने की थी क्या किसी की कि नहीं, हमने तो नहीं की थी, बोले तुम्हारी भी पूजा नहीं होगी। जो पूजन करते हैं वे अल्पकाल में पूज्य बन जाते हैं, लेकिन पूजन में अटकना नहीं, पूजन करते करते पूज्य बनने की भावना रखना। पूजन में ही यदि अटक करके रह गया तब तो पूज्य नहीं पुजारी ही बना रह जाएगा। क्या कहा, जो पूजन में अटक गया, समझना, जो पूजन में अटक गया वो पुजारी बन करके रह जाएगा, और जो पूजन में न अटक कर पूज्य को देखते हुए उनके पथ पर चला वो स्वयं पूज्य बन जाएगा। ऐसा है, ये जो चार वाक्य मैंने बोल दिए नोट कर लेना पीछे से निकाल करके इन चार वाक्यों को देखना, बहुत महत्वपूर्ण पंक्तियां हैं। एक एक बात क्या गजब की है भाई साहब, जरा सुनिए तो सही क्या क्या बातें कह रहे हैं। और सुनो, श्री कुलभद्राचार्य कृत सार समुच्चय का प्रकरण है ये। व्रतम शीलम तपोदानम संयमो अर्हत प्रपूजनम दुख विच्छित सर्वम प्रोक्त में तन्न संशय है। ओहो क्या क्या बातें कह रहे हैं, सुनो तो सही। ओहो श्री जैनागमों में जो व्रत ग्रहण, शील पालन, तपश्चरण, दया करना, संयम धारण तथा जिन पूजन का उपदेश दिया गया है वह सब संसार परिभ्रमण जनित दुख का नाश करने वाला है।